कोरोना वायरस के बायस तीसरे मरहले में प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। 7 माह के बाद तालीमी सरगर्मियां शुरू होने पर बच्चे भी खुश नजर आए। तालीमी इदारों में हुकूमत के तय करदा SOPs के तहत इंतजाम किए गए। लाहौर में भी प्राइमरी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू हो गईं। शिफ्ट 2 हिस्सों में तकसीम की गई है। क्लास की आधी तादाद एक दिन आएगी जबकि बाकी दूसरे दिन हाजिरी यकीनी बनाएगी। शिफ्ट को भी 4 घंटे तक महदूद कर दिया गया। 7 माह के बाद स्कूल आने पर बच्चे भी खुश हैं। मैं अपने टीचर से मिली, अपने दोस्तों से मिली हूँ और मुझे स्कूल आके बहुत खुशी हो रही कि मैं स्कूल आई हूँ। हम लोग कह रहे थे हम लोग स्कूल जाएंगे, उधर जाके आराम से बैठेंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजिम करार दे दिया गया है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी 1 से 5वीं तक क्लासेस में पढ़ाई शुरू हो गई। बच्चों की बड़ी तादाद मास्क लगाकर खुशी खुशी स्कूल पहुंची। स्कूलों के बाहर और अंदर SOPs पर भी अमल दरामद नजर आया। तमाम SOPs पर 100% अमल किया जा रहा है। गेट से ही बगैर मास्क के किसी बच्चे को या पेरेंट्स को एंट्री की इजाज़त नहीं है। गेट पे हाथ सैनिटाइज़ किए जाते हैं और वहाँ पर मौजूद टेम्परेचर गन से उनका टेम्परेचर नोट किया जाता है। उसके बाद बच्चों को वॉश एरिया की तरफ मूव कराया जाता है। हैंड वॉश करने के बाद वो अपनी क्लासेस में दाखिल होते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल खुल गए। सूबे में सरकारी प्राइमरी स्कूलों की तादाद 27,000 है। पहले रोज कोरोना से बचाव के SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद हर जगह नजर आया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान में भी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों की बड़ी तादाद स्कूल पहुंची। SOPs पर अमल दरामद भी किया गया। सिंध में 28 सितम्बर से प्राइमरी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं। मास्क के बगैर स्कूल में दाखिल होने की पाबंदी है। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है।